उत्तर प्रदेश के भदोही में ग्रामीणों ने एम्बुलेंस और पुलिस की जीप पर पथराव किया है। दरअसल एम्बुलेंस कोरोना संदिग्ध का शव लेकर गंगा घाट पहुंची थी, जहां ग्रामीणों ने घाट पर शव के अंतिम संस्कार का विरोध किया। इस घटना के बाद गंगा घाट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये मामला गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गंगा घाट का है। बता दें कि भदोही में गुजरात से आए एक अधेड़ शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसकी बॉडी से स्वैब सैंपल लेने के बाद उसका शव एम्बुलेंस से दाह संस्कार के लिए गोपीगंज थाने के रामपुर घाट पर भेजा था, जहां साथ में थाने की पुलिस भी पहुंची थी। लेकिन एम्बुलेंस से लाए गए शव को देखकर ग्रामीण कोरोना से मौत मानकर शव के दाह संस्कार का विरोध करने लगे और एम्बुलेंस और पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया। हमले में कुछ पुलिसकर्मी समेत एम्बुलेंस कर्मी भी घायल हो गए। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद चौधरी। प्रेम जी, क्या हुआ आज आप लोगों के साथ? हाँ सर, हमारे साथ में जो एमई सर का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि अप्रूवल हुआ है डीएम द्वारा, आपको एक लहाज भदोही से जहाँ ले जाएंगे वहाँ लेकर जाना है। तो ये लोग रामपुर ले गए थे सर। वहाँ पहुँचने पे गांव वालों ने रोका, तो हम लोग गाड़ी पहले वहाँ से हटा लिए, 1 किलोमीटर आगे जाके रुके। फिर वहाँ से फोर्स मिली, फोर्स में थाने की जीप थी, उस जीप में 4 लोग थे, 2 लोग बाइक से थे। उन्होंने कहा चलिए अब हम चल रहे हैं, साथ में गए सर। वहाँ पूरे गांव वाले घेर रखे थे चारों तरफ से, भागने लायक नहीं था। आज अगर हमारी ये गाड़ी ना होती तो हम लोग भी वहीं, कहानी ख़त्म हो गया, हमारे ड्राइवर साहब ना होते तो। और उसके बाद में सर पूरा पथराव करने लगे और उन्होंने गाड़ी एकदम तोड़ दी है। हमें भी ईंटा लगा है, 3-4 ईंटा, ये हाथ हमारा काम नहीं कर रहा है। उसके बाद से सर वहाँ से प्रशासन भी भगी, हम लोग भी गाड़ी घुमा के भागे। इसी तरह अपने जान बचाए हैं। ये उनके घर पे हैं जो जिनके घर का लाश था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 35 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के उल्लंघन सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। गौरतलब है कि रामपुर घाट पर पथराव की ये दूसरी घटना है। इसके पहले भी एक कोरोना मरीज के दाह संस्कार के विरोध में घाट वासियों ने एम्बुलेंस पर पथराव किया था। हालांकि इस बार बात इतनी बढ़ गई कि ग्रामीणों ने मेडिकल और पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए और ग्रामीणों ने पुलिस वाहन और एम्बुलेंस पर पथराव करने के साथ ही उसमें तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए भदोही से महेश कुमार की रिपोर्ट।